ठीक बहुत ही खतरनाक बात है, ये षड्यंत्र है सनातन के खिलाफ। कभी सनातन को मिटाने की कोशिश होती है, सनातन को खत्म करने की कोशिश होती है, लेकिन ये सनातन को भ्रष्ट करने की साजिश है। और ये साजिश इंटरनेशनल लेवल पर है। विदेशी ताकतें भारत को बर्बाद करना चाहती हैं। विदेशी ताकतें ये जानती हैं कि भारत को तब तक बर्बाद नहीं किया जा सकता जब तक सनातन को ना मिटा दिया जाए। तो ये तो इंटरनेशनल साजिश है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सनातन को मिटाने की जो साजिश इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, उसमें भारत के कुछ राजनीतिक दल शामिल हैं। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, हमारे देश के राजनीतिक नेता शामिल हैं। उसी का ये परिणाम है। अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि उस समय YSR कांग्रेस की सरकार थी और जगन रेड्डी को तो हम सोचते थे वो हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के साथ छल किया है। ये घोर पाप है, इसका प्रायश्चित करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब समय आ गया है जब पूरे सनातन को एक होना पड़ेगा, सनातन को बचाने के लिए एक होना पड़ेगा। पूरे भारत में सनातन की रक्षा के लिए एक ऐसा एक कोई ऐसी बॉडी बनाई जाए जो तमाम हमारे मठ मंदिरों को, तमाम हमारी आस्था के केंद्रों को अच्छी तरह से उनकी देखरेख कर सकें, अच्छी तरह से उनका संचालन कर सकें। क्योंकि ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। बताइए, तिरुपति बालाजी का मंदिर सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है, वहां ऐसा षड्यंत्र हो रहा है। तो सनातन को बचाने का समय आ गया है और सनातन को बचाने के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए।